हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सुबोध जी। हाँ सर, सीआरयू का सर रेट सर बढ़ नहीं रहा है क्यों सर? बहुत कम होते जा रहा है। सीआरयू का रेट अभी रहेगा ऐसे कुछ दिनों का और है, धीरे धीरे करके बहुत सारा बात चल रहा है। हम लोगों का सोमवार को मीटिंग हुआ था, अभी 26 लगभग 26 एक्सचेंज पे बात चल रहा है, लेकिन फाइनल कोई भी एक्सचेंज पे नहीं हुआ है, बात चल रहा है। अगर दूसरे एक्सचेंज में लिस्टिंग भी अगर हो जाते हैं और लिस्टिंग होने के बाद भी हमारे एक्सचेंज में लोग, अगर सिस्टम सही नहीं रहेगा, सही तरीके से वर्क अगर नहीं करेगा तो कोई भी क्यों आना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं कम लोग आएंगे और सिस्टम उतना अच्छा अभी वर्क, कहना चाहिए कि सिस्टम सही नहीं होने की वजह से कई लोगों का समस्या ही नहीं सही हुआ है, बहुत सारे चीज है जिसकी वजह से विलम्ब और हो रहा है। तो सब सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगेगा, उसके बाद अदर एक्सचेंज में भी आएगा, क्वाइन मार्केट कैप में भी आएगा, रेट भी बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा यूएनटीबी का रेट, सीआरयू का रेट देखने को मिलेगा। जो लीडर अभी तक सीआरयू नहीं कन्वर्ट कर पाए उनको भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में बहुत अच्छा सीआरयू का भी वैल्यू होगा, क्योंकि जब रेट बढ़ने लगेगा तो इसका भी बहुत अच्छा आने वाले समय पर रेट जाएगा। सर इसमें सर डब्ल्यू सी आर यू बहुत सारा आदमी सर कन्वर्ट नहीं किए कर पाया है सर, जो उसके नहीं कर पाए अभी उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल में कोई ऑप्शन नहीं है। बस यही ऑप्शन है कि वो दोबारा डब्ल्यू सी आर यू को खरीद कर डब्ल्यू सी आर यू भी कुछ रख लें और कुछ सी आर यू जितना है सी आर यू में ही रहने दें। अब सर बहुत सारा आदमी तो रह गया है सर, उसमें तो लगभग आदमी तो रह गया है, नहीं बहुत ज्यादा लीडर लोग तो कर लिए, हम लोग तो कर लिए हैं, बाकी सब तो रह गया है सबके। जो एक्टिव नहीं थे, जो जानकारी नहीं लेना चाहते हैं या तो एक्टिव नहीं रहते हैं वैसे ही लीडर रहे, नहीं तो लगभग लगभग सभी कन्वर्ट कर दिए हैं। फिर भी 10 बिलियन के लगभग सीआरयू, 10 बिलियन लगभग सीआरयू अभी है, बाकी सब डब्ल्यू सीआरयू में कन्वर्ट हो गया है। तो उसमें से कुछ लोगों का तो कुछ आईडी भूल गए, कुछ लोग किए ही नहीं है, कुछ लोग कभी खोल के ही नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। और वही रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं कन्वर्ट किए हैं तो कन्वर्ट अभी भी कर सकते हैं या फिर डब्ल्यू सी आर यू अलग से खरीद लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर उम्मीद क्या लगता है सर डब्ल्यू सी आर यू का कितना जाएगा लगभग? उम्मीद देखिए एक आदमी पे डिपेंड नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी पे डिपेंड है। कम्युनिटी जितना अच्छा सपोर्ट करेगा, सभी लोग जितने अच्छे सपोर्ट करेंगे उतने अच्छा सभी का रेट हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, जैसे डब्ल्यू सी आर यू हो या सी आर यू हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि को ओनरशिप के तहत सब लोग बेनिफिट तो लेना चाहते हैं, डिविडेंड बोनस सब कोई लेना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करना चाहते हैं, समस्याओं पे वर्क नहीं करना चाहते हैं। कंपनी के अगर अच्छा समय नहीं चले तो उस पे सपोर्ट कोई नहीं करना चाहते हैं। तो वही है कि अगर ओनरशिप के तहत हम लोग सब लोग हैं तो सब लोग बेनिफिट के हकदार होंगे आने वाले समय पे। अगर रेट बढ़ता है, जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ, अब काम करते हुए काफी लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होते जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे और रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो सबका बेनिफिट है, उसमें सबका भला आने वाले समय पे होगा। तो सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा कंपनी के प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय पे जो कंपनी का सपना है वो भी पूरा होगा और जो 1250 यूनिट का जो सपना है वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। सर बहुत सारे लीडर लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं, सब दूसरे दूसरे कंपनी में चले जा रहे हैं। अब देखिए जाने आने वाले को तो नहीं रोक सकते, जिसको जहां जाना है वो जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत है। आने वाले समय में जब सही सब सिस्टम हो जाएगा तो सारे लोग कमबैक होंगे और फिर से वो दिन आएगा अच्छा सब लगने लगेगा। जो अच्छा जिनको नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छे के तलाश में कहीं अन्य जगह जाकर नुकसान भी कई लोग कर देते हैं, दोबारा फिर से आते हैं, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा लोगों का आना जाना, उससे हम लोगों को प्रभावित नहीं होना है, अपने काम को अग्रसर रखना है। ओके सर, थैंक यू सर।